Assalamu alaikum, my name is Hasan Chaudhary and I have with me Amna. इसलिए देख रही हूँ इतना अजीब सा लग रहा है ना हम एक ही कैमरे पे एक ही टाइम पे. It's strange. हाँ, it is. अच्छा बस. मैं और आमना इन डब्बों के ऊपर इसलिए आज आके बैठे हैं जो नजर नहीं उनको आ रहे होंगे. आ रहे डब्बे नजर आ रहे नहीं आ रहे डब्बे नहीं आ रहे भाई नहीं आ रहे नहीं आ रहे डब्बे नजर. पीछे से इशारा हो चुका है कि डब्बे नजर नहीं आ रहे, लेकिन हम इन दो डब्बों के ऊपर और इस व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर इसलिए आके बैठे हैं कि आज हम एक नया शो करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा ही है ना. हाँ, कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं ये हो पाएगा एंड तक या नहीं. हो इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि ये शो है अबाउट पीपल्स फीडबैक ऑन आवर प्रोग्राम एंड पीपल्स फीडबैक ऑन द टू ऑफ अस. एंड इट टर्न्स आउट दैट दो पीपल हैव अ लॉट टू से अबाउट मी, दे डोंट हैव मच टू से अबाउट यू एक्सेप्ट फॉर हाय हसन, आप कितने प्यारे हैं. हाय हसन, वी लव यू. नो, हाय हसन, कितने अच्छे हैं आप, कितनी अच्छी बातें करते हैं. एंड देन आई हियर, ओ माय गॉड, लुक एट आमना टॉक्स टू मच, वी हैव अ प्रॉब्लम. नो, एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड. नो, इट्स नॉट. आप कौन से कमेंट्स पढ़ रहे हैं? यू आर ओनली, द ओनली क्रिटिसिज्म दैट आई फाउंड ऑफ यू वाज दैट हाय हसन, आमना को कभी बोलने दिया करें, बस दैट्स इट. नहीं, आई सी अ लॉट ऑफ मीन कमेंट्स अबाउट मी. और जब मैं ये ढूंढ रहा था, मैं आई हैड टू स्किम थ्रू लाइक 4 डिफरेंट वीडियोस to find comments about you. You, मेरे ख्याल है आप फिर अपने mean comments delete कर देते हैं क्योंकि मेरे तक नहीं पहुंचते वो. नहीं, आप अपने कर देती हैं शायद. नहीं जी, आपके तो है ही नहीं. मेरे तो भरे हुए हैं. What are you saying? बहरहाल आज ये जो प्रोग्राम है, इसका नाम आपने सजेस्ट किया. एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है, हमने सोचा था कि ये हम वन कैमरा इसलिए शूट करेंगे ताकि मेरे और आमना दोनों के एक्सप्रेशन कैप्चर हो रहे हो जब हम एक दूसरे के बारे में मीन कॉमेंट्स पढ़ रहे हो. बट अब मुझे लग रहा है कि दिस इज प्रॉब्लम नॉट अ. और क्योंकि हम बीच में अपनी बाल शाल ठीक करते हैं, वो भी कैप्चर करेगा कैमरा. ठीक है, दैट्स फाइन. अब और मेरी प्रोफाइल ये आएगी, मुझे आई थिंक दिस इज नॉट माय बेस्ट प्रोफाइल. आई थिंक दिस इज अ बेटर प्रोफाइल. बट दैट्स द प्रोफाइल यू, दैट इज द प्रोफाइल यू कैच व्हेन यू आर डूइंग हॉट रिव्यू बाय द वे. दिस हां जी, या बिकॉज़ यू फोर्सफुली मेड मी सिट ऑन द अदर साइड बिकॉज़ दिस इज योर, यू चोज दैट साइड. योर लेफ्ट प्रोफाइल इज योर बेटर. यू चोज दैट साइड. नो, यस यू डिड. लास्ट वीक आई टोल्ड यू लेट मी सिट ऑन दैट सोफा. आई सेड एक उसके लिए प्रोग्राम के लिए क्या अदला बदला. उसका प्रॉब्लम ये है, वो सोफा बैठ चुका है. अच्छा, अभी उसकी अपहोस्ट्री रीअपहोस्ट्री होगी, मैं चली जाऊंगी वहां पे. एनीवे, जो प्रोग्राम का नाम है वो आपने सजेस्ट, हॉट एंड कोल्ड. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गरम ठंडा, मतलब गुड कमेंट्स एंड बैड कमेंट्स. अगर हम मीन कमेंट्स रखते हैं तो फिर ऐसा लगता है हमने बिल्कुल कॉपी किए हैं. मीन कमेंट्स नहीं, मैंने, और मीन कमेंट है ही नहीं कोई. मैंने ये सजेस्ट किया था हम इसका नाम रखेंगे ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट भी रख सकते हैं. हाँ, तो इस हफ्ते हम इसका कोई भी नाम चला देंगे, लेकिन आप लोग अपने फीडबैक के थ्रू हमें बताइएगा कि आपको क्या नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऑन द स्पॉट या हॉट एंड कोल्ड. जी ठीक है जी, मुझे आदत है कि जब आप बोल रहे होते हैं मेरे बाल ठीक करती हूं और आप जी जी कहते हो और आप मैं जो भी बकवास कर रहा हूं तो सुनती है नहीं, बस कहते हैं जी जी जी. और अब वो सब कुछ कैप्चर हो रहा होगा. हां ठीक है, तो अब कमेंट्स खोल जी. अब जो है ना कुएं में से बांस डाल के हम ऐसे क्या करेंगे कि 5 कमेंट्स एक दूसरे के बारे में पढ़ेंगे. एक पहले आप मेरे बारे में. नहीं जी, मैं आपको जो मैंने आपके लिए ढूंढा है मैं आपको दूंगी, आप अपने अपना कमेंट खुद पढ़ेंगे. मैं खुद पढ़ूंगा. हां अच्छा ठीक है, ये ले फिर. पहला कमेंट मैं आपको दूं, आप मुझे देंगे? आप मुझे दें, मैं पढ़ लेता हूं. जी मैं आपको देती हूं फिर. लें जी पहला कमेंट. मैं आपका भी निकाल के रखूं ना? लीजिए हसन, ये जी हमारे देखने वाले जिनका नाम है बहुत ही दिलचस्प, चस्का. चस्का जी, इनका नाम ही चस्का. इनका नाम चस्का, उन्होंने आपके बारे में ये लिखा है. चस्का, वन मंथ को, एक महीने पुराना कमेंट निकाला, मिल नहीं रहा था. एक महीने पुराना कमेंट निकाला आपने, आपको मसला क्या पड़े आप? चस्का, हसन पहले ठीक थे, वक्त के साथ साथ बहुत खुद पसंद होते जा रहे हैं, हर जगह अपने आप को फिट करने की पूरी कोशिश करते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. आप तो अपने बारे में श्योर नहीं है, आप मेरे बारे में क्या आपकी राय अहमियत रखती है? मतलब एक इंसान जो अपने बारे में नहीं कन्विंस हो पा रहा कि ये आपकी है रिएक्शन टू दिस कमेंट. नहीं मतलब क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ आ रही. खत्म हो गया है. हाँ बस यही था. हाँ, दोबारा पढ़े बगैर किसको वो तबसरा किया है. हसन पहले ठीक थे, वक्त के साथ साथ बहुत खुद पसंद होते जा रहे हैं, हर जगह अपने आप को फिट करने की पूरी कोशिश करते हैं. मुझे ऐसा लगता है ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. उनको खुद ही नहीं समझ आ रही कि उनको ये बात पसंद है या नहीं, तो फिर उनकी बात का कोई. लेकिन एक हर जगह अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं. मैंने कहा अपने आप को फिट करने की कोशिश की है?
मसलन के कोई रिव्यू हो रहा हो तो आप कहते हैं अगर मैं यहाँ होता तो फिर यूं। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में। ओ अच्छा, मुझे लगा ये कि मैं अपने आप को किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। कैसे मतलब कहीं होता ना लोग अपने आप को घुसाने की कोशिश करते हैं कि मैं इधर भी, जैसे आप परदेश कर रहे हैं तो आप कहते ये अफान की जगह अगर मैं होता तो। नहीं, मतलब ये कि मैं अपने आप को सेट कराने की कोशिश करता। नहीं, इसका मतलब ये कि आप अपने आप को ले आते हैं। ये तो बड़ा मासूमाना सा कमेंट। सारे ऐसे हैं। ये तो बहुत ही मासूम। आपने मेरे लिए कुत्ते कमीने कमेंट निकाले हैं। अच्छा चले, ये अब आपके लिए जी लाइए। नाम पढ़िएगा इन। लाडी राणा। पढ़ तो ले। आमना आई लव यू टू, मगर आप गंदी बच्ची हो और आगे से किसी इमोजी लिप्स बल्कि लिप्स। इसका क्या आप लाडी राणा। एक तो पहली बात है कि लाडी राणा वुड बी अ गर्ल, इट कांट बी अ बॉय। सो आमना आई लव यू टू, मगर आप गंदी बच्ची हो। इट्स ट्रू। अब इन दो कमेंट से मुझे अंदाजा ये हुआ है कि लोग हमें पसंद करते हैं, लेकिन somehow वो जब डिसएग्री करने की कोशिश भी करें तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो डिसएग्री। मैंने आपको कहा ना कि इवन जब मैंने वो ओम वाला कुर्ता पहना था तो लोगों को बहुत बुरा लगा, उन्हें बहुत एतराजात किए, लेकिन साथ कहा कि आमना आप ही, आपको ये नहीं, मतलब आप ही साथ लगा के या किसी इमोजी लगा के तो वो क्यूट। तो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में हमने बहुत ज्यादा ऐसे लोगों को ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल में हम जाएं और अपनी ब्लॉक लिस्ट चेक करें। हो सकता है। एनीवे जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। ले फिर, एलो फिर, नाम पढ़े ना पहले। गर्ल विद अ क्विल। जी, व्हाट्स अ क्विल? अ क्विल इज जो पुराने जमाने में पर होता था जिससे राइटर्स क्विल में डाल के और इंक में डाल के लिखते थे। मुझे इस बात पे इसलिए हंसी आई है क्योंकि मैं अगला आपको कमेंट जो दूंगा वो इसी से रिलेटेड होगा। क्विल रिलेटेड? नहीं, यू विल फाइंड आउट। अच्छा, गर्ल विद अ क्विल। जी, तो काफी पुराने जमाने से मतलब इनका ताल्लुक होगा, जो पंख के साथ। हां हां हां। हसन, यू आर अ रियली गुड इंटरव्यूअर एंड इंटरेस्टिंग रिव्यूअर, बट यू इंटरप्ट आमना अ लॉट ड्यूरिंग सच डिस्कशंस, प्लीज स्टॉप। अ लॉट ऑफ इट साउंडिंग लाइक मैंसप्लेनिंग। Your interruptions were super cringy to see in this episode in particular. I was like, not again, roll eyes emoticon. Often I see Amna is hastily trying to finish what she has to say because of it, which is, it's great to hear both of your thoughts individually, but the chats would be a lot more breathable. But the chats would be a lot more breathable if you allowed Amna enough space to speak to. Thank you. Ye unhone likha, thank you. I hope you'll appreciate my feedback as a reviewer yourself. Achha, upar se. Looking forward to more from both of you. Best wishes from India. Ji. Dear girl with a quill. Girl, dearest girl with a quill. एक हद तक मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये आई थिंक एक पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर किसी खास हमने मौके पे। वैसे ये अमूमन कमेंट्स जो आपके हैं ना क्रिटिकल, देयर अबाउट यू इंटरप्टिंग मी। नहीं, बट ये वाली वो वाली वीडियो के ऊपर आई थिंक जो हमने की थी अभी, बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक नूर मुकदम वाली वीडियो के ऊपर, ये जिस पे आप बोली जा रहे थे, जिस पे मैंने कोशिश बहुत की कि मैं आपको बोलने का मौका दूं। बाद में मैंने भी वो वीडियो देखी। आपको लगा ऐसा? आई थिंक मुझे लगा कि मैं अच्छा, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आई थिंक आपका हक है पूरा कहने का, बोले इंटरप्शन वाले बहुत सवाल आते हैं जी। आमना एक ऐसी खातून है, अगर आप उनको नहीं जान पाए, मैं जितना उनको जान पाया हूँ, कि अगर उनको कोई बात कहनी हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई और उनको मौका ना दे, और अगर कोई और मौका नहीं दे रहा तो वो अपनी बात ना कह पाए, इतना तो मुझे अंदाजा है। हैविंग सेड दैट, मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आमना को इंटरप्ट करने की कम से कम कोशिश करूँ जी। और उनको मेरा नहीं ख्याल आप इंटरप्ट करते हैं, आप उसे बोलते बहुत हैं आप। हाँ, आप मेरा नहीं ख्याल इंटरप्ट करते हैं, सिर्फ आप बोलते बहुत हैं और फिर बोलते 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 वक्त खत्म हो जाता है। हाँ, तो अब इसीलिए ये सिंगल कैमरा से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि जो हम एक दूसरे से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि इंटरप्ट ना करें, बट बिकॉज आई थिंक वी बोथ हैव अ लॉट टू से और टाइम कम होता है, तो इसलिए उसमें वो ऐसा लगता है कि शायद हम एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं जी। अब मैं आपको वो वाला कमेंट देता हूँ जो मुझे लगा कि आपके उस तबसरे से
कोई मयार से गिरा है कमेंट? नहीं नहीं, बहुत मजे का कमेंट है, मेरा बहुत फेवरेट कमेंट है आपके बारे में। मैं आपसे पहले माफी मांगती हूँ कि ज्यादातर कमेंट्स जो मुझे मिले हैं वो पीपल आर कंपेयरिंग अस, तो आप ये ना सोचिएगा कि मैंने सिर्फ उठाए हैं ही वो सिर्फ, आप पे तो कोई अटैक है ही नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी। मेरे पे बहुत वो है ऐसी बात, मैं अगली दफा मैं आपको ही कहूंगी कि आप ही ढूंढ दें फिर अपने बारे में कमेंट्स। जी ये है जी, लिखने वाली या वाले अनु जैदी, अनु जैदी वुड बी अ गर्ल और अ बॉय? मैंने कितने मजे के कमेंट्स निकाले मेरे बारे में, है ना, आपके बारे में नहीं है। हाँ तो पता नहीं क्यों यार। हाँ आमना इज वेरी एंटीक, शी नोज अबाउट एवरीथिंग लाइक जोगीज द वाइफ कोठी एटसेट्रा एटसेट्रा। एक ही लव्स के दो। अच्छा ठीक है, अब आपको दूं मैं? हाँ बोर तो नहीं हो रहे होंगे लोग, पता चल जाएगा आपको हमारे मेन इस कमेंट पे जो मेन कमेंट इस वीडियो पे जो मेन कमेंट्स आएंगे। सैयद जाकिर हुसैन जी, ओह हाय, आई लव योर वीडियोस फ्रॉम यूएसए, आमना इज वेरी डिसेंट एंड एलिगेंट बट हसन ब्रदर नीड्स टू बी डिसेंट एंड मैनली टू लुक अ ग्रेट होस्ट, ही समटाइम्स सिली लाउड एंड चाइल्डिश एंड ओवर। आईड लाइक टू रीड दिस कमेंट अगेन। ये सैयद जाकिर हुसैन ने अपनी तस्वीर किसके साथ लगाई हुई है, ये कोई फैशन शो के ऊपर है? एनीवे तो सैयद जाकिर हुसैन भाई ने मुझे कमेंट भेजा है, हाय आई लव योर वीडियोस फ्रॉम यूएसए जी, तो ये भी उन्होंने बताया कि वो यूएसए में होते हैं एंड दे लव आवर वीडियोस फ्रॉम यूएसए जी। आमना इज वेरी डिसेंट एंड एलिगेंट जी बट हसन ब्रदर, ये उन्होंने ब्रदरली एक एडवाइस दी इसलिए उन्होंने हसन के साथ जी, आमना सिस्टर नहीं कहा, आमना सिस्टर नहीं कहा उन्होंने, आमना इज वेरी डिसेंट एंड एलिगेंट बट हसन ब्रदर नीड्स टू बी डिसेंट, बट डिसेंट के बाद उन्होंने कहा एंड मैनली टू लुक अ ग्रेट होस्ट। एक तो समझ डिसेंट तो समझ आता है, डिसेंट तक मुझे समझ आया, व्हाई मस्ट यू लुक मैनली टू बी अ गुड होस्ट, आई डोंट अंडरस्टैंड, नो बट दैट्स नॉट इवन द क्वेश्चन, एम आई ऑलरेडी नॉट मैनली इनफ, That is my concern. My concern would be why do you have to look manly to look But like? My concern is that am I not already manly enough? For example, nahi bhi hota hai. Thodi dis to phir bhi kya harsh tha? If you were a bit effeminate, phir bhi kya hota? But I don't think I'm effeminate. No, that's not the point, Hasan. The point is that what if you were? And every man should be also comfortable with his feminine side. Ye thoda mujhe samajh nahi aayi baat. Ha. Acha. Ji. Ye dekhiye, main aapke liye ek bada simple sa comment, ek line ka. देखिए मेरे कमेंट सारे बड़े अच्छे और क्यूट से हैं। हाँ, बहुत क्यूट हैं, अच्छे। जी ये हैं जी, ये मुझे आपकी कोई बहन ही लग रही है। प्रूविंग इट राइट, यू आर प्रूविंग द कमेंट टू बी राइट, इट इज राइट ये। हाँ बस। ये जी इनका नाम है पद्मा चे, ठीक है ना? अब आप सारे चौधरियों का मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, चे लिखा हुआ, चौधरी नहीं लिखा हुआ, सी एच लिखा हुआ है। हां, सो कुड बी चोपड़ा इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर चौधरी, इट कुड बी चोपड़ा, एवरीबॉडी नोज दैट, इट कुड बी चोपड़ा। पद्मा इज नॉट अ पाकिस्तानी नेम, सो इट्स नॉट, नोबडी इन पाकिस्तान, बाल आई एम अज्यूमिंग, सो इट्स पद्मा चे, इट्स चौधरी, इट कुड बी जो, इट कुड बी चोपड़ा। अब आप, यू आर ऑफेंडिंग द एंटायर चौधरी, नो यू आर पुटिंग, इट कुड बी चक्रबोत्री, इट कुड बी चोपड़ा, सी एच इज ऑलवेज चौधरी, यू थिंक, एनीवे कमेंट पढ़िए। पद्मा चौधरी कहो जी, जी पद्मा चेना कहो, अच्छा लिखा हुआ चे है, मैं ऑब्वियसली विल बी रनिंग द कमेंट्स, अच्छा जी पद्मा जी लिखती हैं, आमना फुल स्टॉप कैपिटल आई इज सो कंडेसेंडिंग जीज, डू यू थिंक आई एम कंडेसेंडिंग? Are you not? What do you think? Self-assess करें ना। नहीं मैं नहीं, अभी मैं आप चाहती हूँ आप assess करें। आपको लगता है मैं आपके बारे में condescending होती हूँ जब मैं आपके बारे में बात कर रही होती हूँ आपके साथ? मेरे बारे में तो नहीं, but आप थोड़ी condescending हैं। किसकी तरफ? In life. किसकी तरफ? आपको मैंने पूछ ही क्या लिया, बता ही क्या दिया कि किसी का middle क्या था? क्या था? Middle age face था, नहीं क्या था? बता नहीं
अभी आपने कहा यू आर व्हाट कंडीसेंडिंग यू नॉट कंडीसेंडिंग नॉट एट ऑल नेवर नेवर यू हैव नेवर एवर बीन कंडीसेंडिंग नो टुवर्ड्स एनीबडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीसेंडिंग जो अगले बंदे को आप थोड़ा हकारत की नजर से हां कितनी हंसी निकली We are condescending. Okay, he is not. I am. I am. Agreed. Agreed. मेरा दिल बस कर नहीं नहीं क्यों ये तो बड़ा अच्छा है ये क्या आपने ऊपर से ब्लैकआउट कर अपना वाला पार्ट निकाल दिया ना फिर वो आमना इज लाइक दिस मैंने अपना निकाल दिया हाँ चलो जी Nosheen Seher 2, 3 months ago again. Nosheen Seher 2? Haan. That means there is a Nosheen Seher 1 as well. Could be. Yehi matlab hai na? Could be. Acha. Good interview from girl side, but the interviewer seemed so too much impressed by the girl, especially in the beginning. And the girl is the person you're interviewing, not me. Who am I interviewing? Ye aapne jaake ab ki mujhe. Ye Eamon Saleem. Eamon Saleem ki. अच्छा जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं उनके फीडबैक के बारे में एक बात कहना चाहूँगा जो हमारे इंटरव्यूज होते हैं उनका फीडबैक इज मोस्ट वेलकम बट मेनी अ टाइम्स दीज आर पीपल हु हैव नॉट बीन वाचिंग आवर वीडियोस ये नए कुछ व्यूअर्स होते हैं जब ऑब्वियसली आप चाहते हैं नए व्यूअर्स ना नहीं नहीं मैं कहता हूँ कि वो फीडबैक देते हैं तो वो मैटर नहीं करती मैटर करती है उतना नहीं करती बिकॉज जो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली हमें देखते आ रहे हैं उनको पता है कि हमारा यू मेक नो सेंस एट ऑल बट चले पड़े Okay, condescending over here. Nosheen Seher too. Good interview from girl side, but the interviewer seemed too much impressed by the girl, especially in the beginning, felt like he was gone into some kind of inferiority complex. Sorry, but it was too obvious. Amna could have done a better job, jo aapne. Ye dekhe inka pyar. Inhone us message aaya. Inhone usko blackout kar diya apna wala part. Fir bhi nazar aa raha hai. मैं वैसे कहना चाहूंगी ये कि इफ एनीथिंग यू डू नॉट हैव एन इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बट आई डोंट थिंक आई हैव एवर हैड एन इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वो कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होना भी अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है और किसी को नहीं एक तो आप एकदम पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं क्योंकि मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि मुझे बहुत सारी इंस्टेंसेस में आई डू फील दैट आई डू हैव अ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बट इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स Genuinely, मुझे कभी नहीं हुआ बिकॉज मैंने कभी ऐसा समझा ही नहीं कि कोई ऐसी चीज़ आपको गलत लोगों ने पढ़ा है फिर हाँ शायद उनको ये लगा होगा कि एमन ने जब ये बताया कि वो पढ़ के आई हैं वहाँ से और उन्होंने वहाँ पे काम किया तो शायद वो मेरे इंप्रेशन से ऐसा लगा हो कि मैं इन्फीरियर फील कर रहा हूँ बट वो मेरी एक अटेम्प्ट थी टू हाईलाइट हर अचीवमेंट तो एनीवे मेरे ख्याल में खत्म करें एक मेरे पास और नहीं है हाँ चलिए फिर मैं आपका एक लास्ट कमेंट ले लेते हैं मैं सबसे बेस्ट वाला चूज करता हूँ आपके लिए ओके इतना लंबा अच्छा जी जाहिद हुसैन अब्बासी साहब कहते हैं सॉरी टू से बट आई शुड राइट दिस ऑल्दो आई विल ट्राई नॉट टू बी कंडेसेंडिंग अबाउट पीपल्स इंग्लिश Okay. Skills. Sorry to say, but I should write this although I never commented before. Miss Amna reviews level and criticism is almost null. I have invested and wasted 4 to 7 hours, hours apostrophe S, and she hadn't got any idea what and where, how to evaluate the story or performance. She has a good lexicon of English. That's only quality she has achieved in this show. दोबारा पढ़ो हाँ मजा आता है ना अपने बारे में ऐसे कॉमेंट्स पढ़ दोबारा पढ़ती हूँ अब मैं ना उनके साथ पढ़ूंगी जो कॉमास और उन्होंने जो पंक्चुएशन डाली है ना उसके साथ पढ़ती हूँ That's you not being condescending. जी I'm just following the script. Okay. Sorry to say, but I should write this although I never commented before. Miss Amna reviews level and criticism is almost null.
I have invested and wasted 4 to 7 hours and she hadn't got any idea what and where, how to evaluate the story or performance. She has a good lexical of English, that's only quality she has achieved in this show. Aap dekhte rahiye, you will also achieve that quality. Lexical ka kya matlab hota hai? Lexical has something to do with the verb and the arrangement of a sentence. Inke lexical ko kya hoga? मैं वही कह रही हूँ कि आप देखते रहे, आपका आपका लेक्सिकल भी ठीक है। ज़ाहिद हुसैन भाई बस यही कहना चाहेंगे। मैं लेक्सिकल के एग्जैक्ट मीनिंग में मुझे भी नहीं देखे, इतनी अच्छी भी अंग्रेजी मेरी नहीं है। आपको भी लेक्सिकल का मतलब नहीं पता? हाँ सी हाँ words or the vocabulary जो मैंने आपका offer language as distinguished from its grammar and construction. ठीक है। तो मैंने कहा ना आप देखते रहिए, आपका लेक्सिकल भी ठीक हो जाएगा। आपका लेक्सिकल भी आप 4 to 7 hours और waste कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा मेरे पास तो आमना के बारे में काफी और comments हैं, लेकिन आमना के पास मैं पढ़ सकती हूँ नहीं, फिर हम एक और आइडिया करते हैं ताकि इस शो को और थोड़ा इंटरेस्टिंग और कॉम्प्रिहेंसिव बनाए। वो लोग जो कंप्लेन करें कि हमें आपके बारे में कॉमेंट्स नहीं सुनने, वो होंगे ना कोई ना कोई मेरे बारे में, हम दोनों के बारे में। हाँ। वो बोलेंगे यार हम आपकी शक्लें ऑलरेडी बर्दाश्त कर जो रहे हैं। हाँ। अब आप अपने बारे में हमारे कमेंट्स भी पढ़ना शुरू कर दें तो वी डोंट वांट टू वॉच दिस शो। तो उन लोगों के लिए मैंने ये किया कि जो हमारे पिछले दो हॉट रिव्यूज थे उनका जो टॉप कमेंट था, दोनों में से एक एक टॉप कमेंट मैंने निकाल लिए। तो मैंने कहा थोड़ी हमारी जो रिव्यू के ऊपर फीडबैक ड्रामों के ऊपर आ रहा होता है उसके ऊपर भी डिस्कशन हो जाएगी, और ये भी आइडिया हो जाएगा कि टॉप कमेंट जब आते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत सारे और लोग हमारी कम्युनिटी में उससे अग्री करते हैं। तो कॉन्वर्सेशन हो क्या रही है कॉमेंट सेक्शन, आपने लिया अभी? जी। तो एक जो अभी आखिरी हमारा रिव्यू आया, दिस इज नॉट फ्राइडेज रिव्यू, दिस इज एक्चुअली मंडेज रिव्यू। ठीक है। वो मानूर कुरैशी में ने कमेंट किया उस पर, उन्होंने लिखा है कि डिस्पाइट फ्लॉज एंड अननेसेसरी ड्रैग शनाई एंडेड विद टू पॉजिटिव पॉइंट्स। सो दिस इज अबाउट आवर आपने जो शनाई का आखिरी रिव्यू किया था। वन, द हीरो मेहराब वाज शोन एज अ थॉरो जेंटलमैन पोलाइट रिफाइंड, द हीरो विलन कॉन्ट्रास्ट वाज क्लियर एज ऑफ क्लास एंड क्रास। नंबर टू, द स्लैब वॉज गिवन बाय द विलन द बैड कैरेक्टर शोइंग इट एज एन एट्रोशियस एक्ट रादर देन नॉर्मलाइजिंग इट एज अ कैजुअल एक्ट बाय एन ऑब्सेसिव हीरो। इसके ऊपर 154 लाइक्स हैं और 8 फर्दर कमेंट। नहीं, ये मानूर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि दिस इज अ गुड थिंग अबाउट चेन्नई कि उन्होंने नॉर्मलाइज नहीं किया क्रिमिनल एक्टिविटी को या किसी भी बदतमीजी को या टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को। हीरो आपका थरो जेंटलमैन था, इवन व्हेन ही लाइक समबडी इन द बिगिनिंग ही वाज वेरी क्लियर दैट आई लाइक समबडी एल्स एंड देयर वाज नो लाइक हैंकी पैंकी और शेडी एक्टिविटी यू नो और टू टाइमिंग। वो था शुरू से उसका एक ही स्टांस था दैट आई लाइक हर बट शी डजंट लाइक मी सो व्हाई शुड आई फोर्स हर इनटू दिस मैरिज। सो दैट वाज वेरी गुड, a positive portrayal of a male character. आप क्यों नहीं देख सके हसन? Why don't you watch Chennai? Chennai क्योंकि काफी ड्रामे इकट्ठे हुए थे ना। नहीं और भी तो कोई वजह थी। क्या वजह थी? और क्या वजह थी? वो आपको लगा नहीं कि उसमें there was enough फड़क in it for you to watch? नहीं ऐसी बात नहीं थी, बीच में रमजान शुरू हो गया था और रमजान ड्रामे बहुत सारे आ रहे थे। मेरे ख्याल है it suffered because of रमजान, because रमजान जैसे ही दो लाइट ड्रामे रमजान में भी चलते हैं Chennai जैसे, तो फिर Chennai लोगों ने कहा कि हम क्यों देखें। ठीक है। अच्छा एक और कमेंट, ये उससे भी पिछले लाइक लास्ट फ्राइडे के हॉट रिव्यू में से एक टॉप कमेंट है जो कि बड़ा अच्छा कमेंट है। दोबारा मलक MALAK नॉट MALIK वाला मलक। अच्छा कि आपने क्लेरिफाई कर दिया, मेरे ख्याल था मैंने कहा मैंने आपको लगे मैं अपने पंजाबी एक्सेंट में मलक मलक कह रहा हूं, तो मलक नहीं है ये, मलक नाम है जिसका मतलब मैं जानना चाहूंगा। तो मलक आप इस वीडियो में बताइएगा कि मलक का मतलब क्या होता है। मलक तारिक ने लिखा है, हसन what Nasar said to Parizad is not only a teaching for Parizad but a general golden advice for everyone. Faces no matter however they are the first impressions. Nasar says insaan ka dusra aur asal taaruf uske alfaaz hain which stands generally true for each human. How many beauty standard wise good looking people we have seen but their conduct, behavioral patterns and way of talking turns out to be so different and toxic. Same goes for any other person. So Nasaz actually not only boosted Parizad's confidence, but mine as a viewer too. No matter how many times the superficial world convinces that beauty lies in a particular face cut and society has set such standards, at the end of the day, humans are much more than the word beauty. Gee. Their ideas, conduct, thoughts and words are more everlasting than their faces. It has about 333 likes nice. And 12 likes. Nice. Yeah. So Malak ne bada acha ye comment kiya. I completely agree with
हर आई सपोज मलक एम ए एल ए के नो मलक वुड बी अ बॉय बॉय आई एग्री विद देम तो उन्होंने ये एक अच्छा और क्योंकि इस पे काफी कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारे इस रिव्यू के बाद जो मैंने नासा की बिल्कुल एक पिक की थी लाइन तो मुझे ये कमेंट बहुत अच्छा लगा ठीक है मेरे ख्याल है कि इस हफ्ते की वीडियो के बाद और रिव्यू के बाद हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि किसी सेलिब्रिटी की तरफ अगर कोई किसी एक्टर की तरफ कोई कमेंट किया है तो उनसे उनका फीडबैक लिया जाए बिल्कुल कर सकते हैं दैट बी रियली इंटरेस्टिंग देखिए ना ये जीनियस खातून बैठी नहीं आप कर चुके हैं पहले ये क्या हुमायूं सईद के साथ हुमायूं रीड्स मीन कॉमेडी किया था एक बार हां क्यूट था वो दैट वाज इंटरेस्टिंग बट हां रिव्यू की बेसिस के ऊपर क्योंकि वो दैट्स मोर अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस एंड द कैरेक्टर्स एग्जैक्टली सो वी कुड गेट लिटिल शाउट आउट्स वी कुड सेलिब्रिटीज हां वी कुड डू दैट मजा क्या होगा वो तो मेरे ख्याल में ये सेगमेंट अच्छा गुजरा हमारा जी वो तो लोग ही बताएंगे आप क्या कहना चाहेंगे नहीं अपनी असेसमेंट में मजे का था मुझे लगा मजे का था आई आल्सो हैड तो हम जब भी बैठते हैं बातें के मजे को तो हां मजा आ ही जाता है बट थैंक यू आप लोग हमेशा जैसे मैं कहता हूं कि आप लोग अपना फीडबैक भेजते हैं कमेंट्स भेजते हैं आप और दिस ऑल द मोर रीजन फॉर यू टू सेंड योर कमेंट्स एंड फीडबैक ना सिर्फ हमारे बारे में नॉट नेसेसरली नास्टी फीडबैक नॉट नेसेसरली दैट्स आल्सो मोस्ट वेलकम बिकॉज़ इट्स फन टू रीड सच कमेंट्स एज़ वेल और हमें वाकई में अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलता है जैसे जब आप लोग कहते हैं कि मैं आपने को बहुत इंटरप्ट करता हूं तो मैं अब सोचता हूं कि कोशिश करता हूं होल्ड बैक करूंगा और मैं कोशिश करती हूं कि मैं कंडिसेंडिंग ना हो ज्यादा जो कि शायद बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बट हां कितनी बुरी आपने बात की वैसे ऐसा भी नहीं है कुछ इंसान की शख्सियत का हिस्सा होता है तो आपकी भी है बल्कि आपके ओवर होना मेरी हां आपकी भी है शख्सियत का हिस्सा मैं तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात वो भी है बट इंसान को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और कोशिश करना चाहिए वो अपने आप को बेहतर बना सके ठीक है तो अपने रिव्यूज हमें जरूर आगाह कीजिएगा ये बताइएगा कि आपको हॉट एंड कोल्ड या ऑन द स्पॉट ये सेगमेंट कैसा लगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर दोबारा इसी सेगमेंट के पास साथ आपके पास हाजिर होंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज़